गाइज, वेलकम टू क्रिएटिव ह्यूमन एजुकेशन। तो बहुत ही लंबे समय से ये डिस्कशन चल रहा है कि इस बार बोर्ड एग्जाम्स कब होंगे, क्या बोर्ड एग्जाम्स डिले होंगे या अपने टाइम पे होंगे। पहले होने का तो सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि इस साल स्टडीज नहीं हो पाई हैं, स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम रहा है, क्लासरूम स्टडीज तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, किसी तरह से ऑनलाइन स्टडीज को स्कूल्स ने मैनेज करा है। देखने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र बोर्ड और गुजरात बोर्ड दोनों ने ये डिसाइड कर लिया है कि इस साल पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस मैनेज हो पाई हैं, तो इस साल का जो उनका बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड एंड गुजरात बोर्ड के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th के, वो डिलेड होंगे। कितने दिन डिले करे जाएंगे, कब होगा, इसके बारे में अभी उन लोगों ने कुछ भी क्लियर कट नहीं बताया है। बस इतना स्टेट कर दिया है कि हाँ, इस बार डिले होगा और ये महाराष्ट्र बोर्ड और गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ का साइन है। एटलीस्ट अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ डिले होने वाला है, तो ये आप श्योर हो जाते हो कि भाई जो नॉर्मल टाइम पे हो रहा है उस टाइम पे तो नहीं होगा, आगे आने वाले टाइम पे ही होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंस रही है हमारे सीबीएसई और आईएससी के बच्चों के लिए। अभी तक ना सीबीएसई और ना आईएससी दोनों ने कुछ भी नहीं बताया है कि इस साल का जो बोर्ड है, क्लास 10th और 12th के जो फाइनल एग्जाम्स हैं, वो कब कंडक्ट करे जाएंगे। ये ना केवल प्रॉब्लम बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज है टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। टीचर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता लग पा रहा है तो कब होने वाला है, तो उससे जो प्लानिंग होती है, हम लोग प्री बोर्ड कब कराना है, उससे रिलेटेड और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर लेट होगा तो नेक्स्ट सेशन लेट कराना पड़ेगा और भी बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए बनी हुई है और मैं उनके लिए काफी कंसर्न हूं। अगर आप एक डिलेमा में रहते हैं और आपको एक डेट नहीं बताई जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज बन जाता है। तो मैं आप लोगों को यहां ये बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई के और आईएससी के दोनों ऑफिशियल्स ने ये न्यूज़पेपर स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अभी उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है कि बोर्ड्स डिले होगा कि नहीं होगा। देखिए, इतना मैं एकदम क्लियर बता रहा हूं, कभी भी आप कोई ऑनलाइन न्यूज पढ़िएगा या कोई और आर्टिकल पढ़िएगा, तो इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो बोल क्या रहे हैं। ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि टिल नाउ दे हैव नॉट डिसाइडेड वेदर द बोर्ड्स विल बी डिलेड और नॉट। ठीक है, तो डिले होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब जो टाइम पे हो सकता है शायद टाइम पे हो जाए। तो अभी सीबीएसई और आईएससी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट से वेट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इनकी बातचीत चल रही है, डायरेक्शंस के लिए अभी वेट कर रहे हैं। जब तक वहां से फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा, तब तक अभी कोई भी डिसीजन सीबीएसई और आईएससी नहीं लेगा। और एक चीज मान लीजिए कि सीबीएसई और आईएससी दोनों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही होंगे, इतना आप मान के चलिए। कब होंगे इस चीज के बारे में अभी कोई भी चीज बताई नहीं गई है। हाँ, प्रेपरेशन शुरू कर दिया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि दोनों ही बोर्ड ने प्रेपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं कि किस तरीके से एग्जाम्स को कंडक्ट कराना है। मैंने आपको यह भी बताया है कि सीबीएसई इज प्लानिंग कि एक एक क्लासरूम्स में अराउंड 12 स्टूडेंट्स हो, सेंटर्स बढ़ा दिए जाए, और जो आईएससी है उसमें अभी प्लानिंग चल रही है, उसी में भी इसी तरीके की काफी हद तक सिमिलर प्लानिंग चल रही है। देखने वाली बात यह है कि अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। इस चीज के लिए वेट मत करिए कि जब डेट आएगी तब उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। नॉर्मल केसेस में जब एकदम ईयर नॉर्मल रहता था, हर साल आमतौर पे जो डेट्स आया करती थी वो डेट्स आपकी या तो दिसंबर एंड तक एक टेंटेटिव टाइम टेबल आ जाया करता था, या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको डेट्स मिल जाया करती थी कि जो भी टाइम टेबल है। हो सकता, अभी तो नवंबर चल रहा है, आज है आपका 19th November 2020, तो अभी ऑलमोस्ट समझ लीजिए डेढ़ महीने का टाइम है। काउंसिल इस चीज को कंफर्म करेगा कि कब स्टार्ट होगा और उसी के साथ में वो टाइम टेबल भी दे देगा। देखिए, आप काउंसिल पे इस समय बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंड होकर के मत रहिए कि काउंसिल विल बी गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम। नो,
बिकॉज इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि हो सकता है काउंसिल सिर्फ आपको महीने भर का टाइम दे, हो सकता है सिर्फ 20 डेज का टाइम दे, और हो सकता है दो महीने का भी टाइम दे, क्योंकि काउंसिल को खुद भी चीजें नहीं पता है। और जिस तरीके से केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं और बहुत सी जगहों पे, क्योंकि नेग्लिजेंसी बहुत हुई है, और मैं फिलहाल इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पे सिर्फ आपके लिए कंसर्न हूं, और आप इस चीज को अपने इसको एकदम सेट कर लीजिए कि योर प्रिपरेशन शुड बी अप टू द मार्क। अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो स्टार्ट विथ योर रिविजन, डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट फॉर योर स्कूल टीचर, डोंट वेट फॉर एनीवन, इट इज योर फ्यूचर एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज व्हाट एवर यू विल बी डूइंग द रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसके। तो बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करिए, दिवाली निकल चुकी है, सेलिब्रेशन हो चुका है, एंजॉयमेंट करा जा चुका है, ये मत सोचिए कि न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर पार्टी करेंगे। यार न्यू ईयर तो हर साल आता है, लेकिन इस साल का न्यू ईयर अगर आप सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट करने से ज्यादा अपने एक डिसीजन लीजिए कि आप जो कुछ दिनों के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन या न्यू ईयर डे के बाद जो कुछ दिन के अंदर आप अपना बोर्ड्स देंगे, वो बोर्ड्स एकदम कमाल का होगा। 95 प्लस से आप नीचे सेटल करोगे ही नहीं, आपको 95 प्लस परसेंटेज चाहिए, और जी जान से लग जाइए। अभी फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दोनों ही बोर्ड्स के, सीबीएसई के भी और आईएससी के भी, जो मेन ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों ने अभी कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करा है। हाँ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बातचीत चल रही है, और जैसे ही आएगा, मुझे पता लगता है, तो मैं तुरंत वीडियो बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। बाकी बात यह है कि क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अकाउंटेंसी का। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने हर चीज करा दी है। डीके गोयल जो आपकी अकाउंटेंसी की बुक है, उसके बैक क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 95% बैक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ओपन करनी है, और एक एक वीडियो को सीरीज में देखते चले जाना है बस, और साथ में सॉल्व करते चले जाइए। अगर आप इतना करते हैं तो आपका 90-95 प्लस अकाउंटेंसी में गारंटीड है, आपको बिल्कुल मिलेगा, और आप अपनी मेहनत करिए, मैं श्योर कर सकता हूं आपको बिल्कुल मिलेगा। दूसरी बात कि क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस क्लास 11th एकदम बेसिक्स बता रहा हूं, तो आपके जितने फ्रेंड्स क्लास 11th में हैं, उन सब से शेयर करिए, उन सबको बताइए। जिस तरीके से क्लास 12th में, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मेरे चैनल को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको मालूम है आपको बहुत बेनिफिट हुआ है। आपका कुछ बच्चों ने तो पूरी पूरी पढ़ाई करी है, पूरा पूरा अकाउंट्स ही मेरे चैनल से पूरा एक एक चीज पढ़ के कंप्लीट करा है, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इस चीज को पढ़ाने का, सब कुछ फ्री में कराने का मेरा मेन मकसद ये था कि एटलीस्ट जो बच्चे डिप्राइव्ड रह जाते हैं, जिनको चीजें नहीं मिल पाती, जो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो एटलीस्ट उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और अकाउंट्स का डर उनके दिल से निकल सके। तो जब मैं ये कमेंट्स देखता हूं कमेंट सेक्शन में, कुछ बच्चे मुझे लिख करके बताते हैं कि सर मैंने पूरी अकाउंटेंसी सिर्फ आपके चैनल से पढ़ के कंप्लीट करी, तो आई फील वेरी सैटिस्फाइड, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होता है कि जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने ज्यादा से ज्यादा क्लास 11th के बच्चों से ये बातें शेयर करिए, 12th के बच्चों से भी बताइए, और 11th के सिलेबस के साथ साथ में मैं बीच में रिविजन वीडियोज भी डालता रहूंगा। तो बने रहिए चैनल पे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।